दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस गिवन ए बी सी डी. जो ए टू बी है वो है मेरा आइसोकोरिक हीटिंग, बी टू सी जो है वो है मेरा आइसोबैरिक एक्सपांशन, सी टू डी जो है वो है मेरा एडियाबैटिक एक्सपांशन, और डी टू ए जो है वो है मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन. तो हमें इन मोस्ट आइडियल मोनो एटोमिक गैस के लिए एफिशिएंसी निकालनी है. टी सी बाई टी ए हमें एक चीज दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 4. और हमें आइडियल मोनो एटोमिक गैस लेने के लिए बोला हुआ है यहां पर, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्यूट करना है. ओके, सो देन हाउ टू कंप्यूट, कैसे करें, लेट्स सी. अच्छा, ए पॉइंट का टेम्परेचर में टी नॉट बोल देता हूं. तो ए पॉइंट का टेम्परेचर अगर टी नॉट है तो आइसोथर्मल से जुड़ा हुआ होने के कारण ये वाला पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो भी टी नॉट है. और यहां पर हम देख सकते हैं 4:4 दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है मेरा 4T0. तो सबसे पहला तो यहां पर जो चैलेंज है वो है हमें इस पॉइंट का टेम्परेचर जो है टी डैश ये मेरा कितना होगा वो मुझे निकालना है, राइट. तो इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं उसके बारे में हमें सबसे पहले समझना है. क्या करें, लेट्स सी. अच्छा, मैं दिक्कत देख पा रहा हूं जो मुझे सबसे पहले इस पॉइंट का वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इस पॉइंट का वॉल्यूम आ जाए कुछ भी करके तो ये पॉइंट का वॉल्यूम मुझे वी नॉट मालूम है. इस पॉइंट का वॉल्यूम आ गया तो उस पॉइंट का टेम्परेचर आ जाएगा, और जैसे ही मेरा टेम्परेचर आ जाएगा तो मेरे लिए ऑब्वियस सी बात है अब पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है. ओके, नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. फॉर सी डी ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है, तो मैं टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 को कांस्टेंट बोल सकता हूं. तो 4T0 इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1. अच्छा, मोनो एटॉमिक है तो गामा कितना हो जाएगा 5/3, तो गामा माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3. दैट विल बी इक्वल्स टू T naught into 16 V naught to the power 2/3. मेरे पास ये आ जाएगा, मैंने C और D के लिए adiabatic लगा दिया. So T naught is cancelled. मैं पूरे का power 3/2 ले लेता हूं. 4 to the power 3/2 into V is equals to 16 V naught. Now 4 to the power 3/2 is nothing but 8. तो 8V मेरे पास आ जाएगा 16V0, यानी V मेरे पास आ जाएगा definitely 2V0. तो हमारे पास वॉल्यूम जो आ गया इस पॉइंट का आ गया 2V0. तो 2V0 वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर है 4T0, तो वॉल्यूम जब आधी हो जाएगी तो टेम्परेचर भी आधी हो जाएगी. तो इस पॉइंट का टेम्परेचर अब मैं निकाल सकता हूं, टी डैश जो है दैट इज इक्वल्स टू 2T0. तो अब मेरा सब कुछ मेरे सारे पॉइंट का टेम्परेचर निकाल रखा हूं, अब कोई इशू नहीं है. तो ध्यान देना पड़ेगा ये वाला पॉइंट का तो डेफिनेटली Q0 है, ये आइसोबैरिक एक्सपांशन है तो क्यू इसका प्लस है, ये आइसोकोरिक हीटिंग है तो इसका भी क्यू जो है वो मेरा प्लस है, और ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है
तो डेफिनेट सी बात है इसका मेरा क्यू जो है वो माइनस है। तो इस वाले पॉइंट का क्यू निकाल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बाकी मुझे हर स्टेप का डब्ल्यू क्यू वगैरह निकालनी तो पड़ेगी। सुनाओ, लेट्स सी। डेल्टा डब्ल्यू ए बी कितना आएगा? नाउ ध्यान दें, जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू ए बी होगा वो कितना होगा हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक है, राइट? तो डेल्टा क्यू ए बी कितना आएगा? ये है मेरा क्या चीज? मोनोएटॉमिक गैस। तो एन सी वी थ्री आर बाय टू डेल्टा टी, दैट इज टी नॉट। तो ये हो जाएगा थ्री एन आर टी नॉट बाय टू, राइट? ओके, नाउ डेल्टा डब्ल्यू बी सी कितना होगा? आइसोबैरिक है तो एनआर टी नॉट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? सॉरी, एनआर डेल्टा टी, तो कितना आ जाएगा? एनआर डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू एनआर इन टू टू टी नॉट, क्योंकि टू टी नॉट से फोर टी नॉट जा रहा है, तो डेल्टा टी मेरे पास कितना आ जाएगा? टू टी नॉट। तो डेल्टा डब्ल्यू बी सी मेरे पास हो जाएगा टू एन आर टी नॉट। अच्छा, डेल्टा क्यू बी सी कितना होगा? ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास क्या है? मोनोएटॉमिक। तो सीपी कितना है? फाइव आर बाय टू, तो एन सी पी इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू फाइव एन आर टी नॉट। ये डेल्टा क्यू बी सी होगा, एंड साफ साफ देख सकते हैं ये भी मेरा क्यू प्लस पे काउंट होने वाला है। नाउ डेल्टा डब्ल्यू सी डी कितना होगा? माइनस एन सी वी डेल्टा टी, सी वी कितना हो जाएगा? थ्री आर बाई टू, एंड डेल्टा टी अगर हम देखें ये है फोर टी नॉट, ये है टी नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री टी नॉट, तो ये हो जाएगा नाइन एन आर टी नॉट बाई टू। और क्यू तो इसका जीरो है तो मुझे कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज डेल्टा डब्ल्यू डी ए, डेल्टा डब्ल्यू डी ए कितना होगा? एन आर टी नॉट एल एन वी नॉट बाई सिक्सटीन वी नॉट, तो वन बाई सिक्सटीन, सिक्सटीन इज बेसिकली टू टू द पावर फोर, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस फोर एन आर टी नॉट एल एन टू। ओके, तो मेरे पास जो टोटल डब्ल्यू आएगा दैट इज डेल्टा डब्ल्यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू डी ए। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा, ए बी कितना हो जाएगा मेरे पास? वो है जीरो। बी सी कितना है? टू एन आर टी नॉट, ठीक है। सी डी कितना है? प्लस नाइन एन आर टी नॉट बाई टू, और ये कितना हो गया? माइनस फोर एन आर टी नॉट एल एन टू। तो ये हमारे पास हो जाएगा चार चार आठ, चार और यहां पे नौ, तेरह। तो एन आर टी नॉट बाई टू थर्टीन माइनस एट एल एन टू, ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। और क्यू प्लस कितना है? अच्छा, क्यू प्लस में कंट्रीब्यूट जो करेगा वो करेगा केवल और केवल
डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी, क्योंकि सी डी तो जीरो है और डी ए जो है वो मेरा क्यू माइनस है, तो डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा, एन आर टी नॉट बाय टू अगर कॉमन लेता हूं, ये हो गया थ्री प्लस ये हो गया टेन, तो एन आर टी नॉट बाय टू इंटू थर्टीन, ये मेरे पास आ जाएगा क्यू प्लस। तो एफिशिएंसी ईटा विल बी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू प्लस, एन आर टी नॉट बाय टू, एन आर टी नॉट बाय टू कैंसल्ड, तो मेरे पास ये आ जाएगा 13 माइनस 8 एल एन टू डिवाइडेड बाय 13, तो ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 8 बाय 13 एल एन टू। अच्छा, एल एन टू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा 0.7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5.6 by 13, so that can be written as 1 minus 0.43, right? So this will be, so eta mere paas aa jayega 0.57 or 57%। अल्टीमेटली यहां तक हमें एक बात समझ में आ जाना चाहिए, जो कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो पहले टेम्परेचर पे आ जाते हैं, और टेम्परेचर में आने के बाद जो भी हमें निकालना हो वो हम बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ, अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी -, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारा कैलकुलेशन करने के दौरान एफिशिएंसी कभी नेगेटिव आ जाए, दैट मींस the cycle is performing reverse work for which it is designed। अगर एटा हमारे पास कभी भी नेगेटिव आ जाए तो इसके मतलब यह है हमारा जो साइकिल है वो उल्टा काम कर रहा है जिसके लिए वो डिजाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसी, वो भी एक साइकिलिंग साइकिल ही है, कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है बट स्टिल अ साइकिल, अगर हम एसी के सहारे घर को गर्म करने का ट्राई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एसी का जो एफिशिएंसी आएगी वो हमारे नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि एसी जो है वो रूम को ठंडा करने के लिए डिजाइन है और हम उससे रूम को गर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो जस्ट लाइक हीट इंजन जो हमने डिफाइन किए थे वाया कार्नोट साइकिल, और एक कॉन्सेप्ट है वो है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या होता है इसमें, ये है हमारा हीट पंप आर, यहां पर है मेरा सोर्स, सोर्स से मैं यहां पर
क्यू प्लस हीट जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं. सोर्स इज एट अ टेम्परेचर ऑफ E1. रेफ्रिजरेटर के ऊपर ऊपर से काम किया जा रहा है W, और यहां पर रेफ्रिजरेटर सिंक पे अपना हीट को छोड़ रहा है. सिंक का टेम्परेचर जो है वो है T2. हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में मेन डिफरेंस ये है वो है T1 इज लेस देन T2, यानी रेफ्रिजरेटर ऑब्वियस सी बात है काम क्या है, हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं वो है हमारा W. रेफ्रिजरेटर जो है वो अंदर पे ऑलरेडी जो ठंडा है उसे और हीट एब्जॉर्ब करके अपने पास लाता है, और रूम जो कि गर्म है उस पर हीट छोड़ता है. सो दिस इज द कोल्डर एनवायरनमेंट एंड दिस इज द हॉटर एनवायरनमेंट. ये बिल्कुल उल्टा है एज कंपेयर टू हीट इंजन. ठीक है, सो हम डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा. अच्छा, अल्फा क्या होता है? अल्फा इज नथिंग बट क्यू प्लस अपॉन W. ठीक है, जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है दैट इज नथिंग बट क्यू प्लस बाई W. अच्छा, अगर हम ध्यान दें एक चीज, W प्लस क्यू प्लस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस, तो W होता है क्यू माइनस माइनस क्यू प्लस. तो अल्फा का ऑल्टरनेट फॉर्मूला है क्यू प्लस बाई क्यू माइनस बाई माइनस क्यू प्लस. ये है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं अल्फा. ओके, अब ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. यहां से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक ऑल्टरनेट चीजें आती है, वो क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो ये बोलते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट दैट इज रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इट इज impossible to. Snatch heat from a colder environment. It is impossible to snatch heat from a colder environment and transfer it to a hotter heat. का natural flow है, heat flows from higher temperature body or hotter body to the colder body. अगर हमें इसके उल्टा transfer करना हो तो हमें इसमें डेफिनेटली एक्सटर्नल कोई ना कोई मैकेनिज्म का हेल्प डेफिनेटली लेना पड़ेगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर. ओके,